एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आशु और आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ टैमरिंड चिली बेबी पोटैटोस, यानी कि खट्टे मसालेदार चटपटे आलू। आई थॉट कि बहुत मीठा हो चुका है तो क्यों ना कुछ मसालेदार बनाया जाए। तो अगर आप भी चटपटा खाने के शौकीन हैं तो दिस रेसिपी इज फॉर यू। वैसे तो बेबी पोटैटोस इस टैमरिंड सॉस में बहुत अच्छे जाते हैं। अगर आपके पास बेबी पोटैटोस नहीं है तो उसकी जगह आप नॉर्मल पोटैटोस को भी यूज कर सकते हैं, उन्हें बॉइल करके, उन्हें फ्राई करके, और फिर इस सॉस में आप कोट कर सकते हैं। इमली की सॉस में कोटेड ये मसालेदार स्पाइसी आलू बहुत ही अच्छे जाते हैं आपके किसी भी गेट टुगेदर में या किटी पार्टी में। इमली का नाम लेते लेते मेरे तो मुंह में लिटरली पानी आ गया है। तो चलिए बिना किसी देर के बनाते हैं हम टैमरिंड चिली बेबी पोटैटोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। टैंगी बेबी पोटैटोस बनाने के लिए हमें चाहिए टैमरिंड, जिससे ये खट्टे होंगे, ऑयल फ्राई करने के लिए, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर, रेड चिली, जैगरी यानी कि गुड़, हनी यानी कि शहद, नमक, लाल मिर्च पाउडर एंड स्टार ऑफ द शो बेबी पोटैटोस, जिन्हें मैंने बॉईल करके रखा हुआ है और अभी हम इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले हमें बेबी पोटैटोस को फ्राई करना है और उसके लिए पहले हम इन बॉयल पोटैटोस को प्रिक करेंगे, चाहे आप फोक से करें चाहे टूथपिक से करें, ताकि जो हम इसका मसाला बनाएंगे, जो सॉस बनाएंगे, वो अंदर तक अच्छे से चली जाए। इस तरह से सारे बेबी पोटैटोस को हम इसी तरीके से प्रिक कर लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल गरम किया है मैंने, अब इसमें मैं करूँगी आलू को फ्राई। पोटैटोस को हम मीडियम हीट पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन हो जाए। बीच बीच में इन्हें पलटते रहेंगे ताकि दोनों साइड से गोल्डन हो जाए, और इस तरह से गोल्डन होने पर इन आलू को एब्जॉर्बेंट पेपर और टिश्यू पेपर पर निकाल के रख लेंगे, साइड में रखेंगे ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। और अब बाकी के आलू को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। अब इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो 1-2 लाल मिर्च इसमें से कम कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक। सॉटे करेंगे इसे, और जब ये गोल्डन हो जाए हल्का सा, या इनका फ्लेवर रिलीज हो जाए, अप्रॉक्स 40-50 सेकेंड्स लगे इन्हें, तब इसमें डालेंगे हम चॉप्ड अनियन। इसे भी सॉटे करेंगे 40-50 सेकेंड्स के लिए। प्याज हल्का गोल्डन होने पर इसमें डाल देंगे हम इमली का पल्प 1/2 कप, 2 टेबलस्पून जैगरी, इसे मैंने ग्रेट करके रखा है, मिक्स करेंगे। अब इसी में डालेंगे नमक आपके स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर। ये पोटैटोस थोड़े से खट्टे और स्पाइसी हैं, पर अगर आप स्पाइसेस कम करना चाहते हैं तो रेड चिली पाउडर ध्यान से डालें, क्योंकि हमने अभी इसमें लाल मिर्च भी डाली है साबुत, जिसे अभी हम मिक्सी में पीसेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट तक इसमें सॉटे करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। टैमरिंड सॉस अच्छे से अब कुक हो गई है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे, और ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में इसकी प्योरी करेंगे। हमारी टैमरिंड सॉस तैयार है बिल्कुल। रेड चिली जो थी वो भी इसमें अच्छे से क्रश हो गई है, मिक्स हो गई है, और अगर हल्की सी दरदरी हो तो वो और अच्छी लगेगी। अब फिर से तेल को गरम कर इसमें आलू को एक बार फिर से फ्राई करेंगे, ताकि हमारे जो बेबी पोटैटोज हैं वो क्रिस्पी हो जाएं। और अब 40-50 सेकेंड जैसे फिर से फ्राई करने के बाद इसे वापस निकाल लेंगे एब्जॉर्बेंट पेपर पर। इन्हें रीफ्राई करना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्रिस्पी पोटैटोज चाहते हैं तो। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने पर डालेंगे तेजपत्ता, स्प्रिंग अनियन का चॉप्ड वाइट पार्ट, सॉटे करेंगे और साथ ही डालेंगे ग्रीन चिली, मिक्स इट, और 1 मिनट तक इसे सॉटे करेंगे। ऐड करेंगे टैमरिंड चिली पेस्ट, मिक्स करेंगे, और अब ऐड करेंगे फ्राइड बेबी पोटैटोज़,
मिक्स इट रियली वेल। ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हरी चटनी और कोरिएंडर चटनी। मिक्स इट। इसे थिक करने के लिए स्लरी बनाएंगे और उसके लिए एक बॉल में कॉर्नफ्लावर डालेंगे और साथ में वाटर मिक्स करेंगे और हमारे स्पाइसी मसाला में मिक्स कर देंगे। सारे मसाले अच्छे से कोट होने के बाद इसमें हनी डालेंगे जो इस डिश को ग्लेज करेगा और टेस्ट को बैलेंस करेगा और मिक्स करके इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कमेंट्स ऑफ द वीक सेगमेंट स्टार्ट किया था जो आपको बहुत पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में हम कमेंट्स ऑफ द वीक हाईलाइट करने वाले हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो के नीचे भी आप अपने कमेंट जरूर दें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट्स फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।